सो हे गाइस और सब, आप सभी लोग के लिए यहाँ पे काफी कमाल धमाल अपडेट लेके आया हूँ Xiaomi से जुड़ी हुई। जैसे कि आप सभी लोगों को बताया कि Xiaomi Redmi इंडिया के अंदर 3 फोन लॉन्च करने वाली है Redmi 9 सीरीज के अंदर, जो कि कतार में लगे हुए हैं और कभी भी उनकी लॉन्चिंग हो सकती है। उम्मीद लगाई जा रही है कि नेक्स्ट मंथ शुरुआत में होगी या फिर मिड जुलाई तक आपको इंडिया में लॉन्च हो सकती है। वो तीनों फोन है दोस्तों, Redmi 9, Redmi 9A और एक और होने वाला है Redmi 9C। अब Redmi 9 से जुड़ी हुई तो मैंने काफी सारे अपडेट अपने चैनल पर अपडेट कर दिया, वैसे आप सभी लोग को, और भी जो भी कुछ निकल के आती है मैं अपडेट करता रहता हूँ। लेकिन आज यहाँ पे Redmi 9A से जुड़ी हुई काफी अच्छी अपडेट निकल के आई है। Redmi 9A एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन होने वाला है Xiaomi की तरफ से, जो 6000 से शुरुआत होगी प्राइसिंग। वैसे दोस्तों आप सभी लोग यहाँ पे बता देता हूँ कि अभी तक जो ये 9A, 8A, 7A जो सीरीज चल रही आ रही थी, ये एंट्री लेवल स्मार्टफोन हुआ करते थे और इनके प्राइसिंग 7000 के अंदर जा करते थे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अभी अपडेट निकल के आ रही है कि इस बार इनके प्राइस में भी थोड़ा इजाफा होगा और इनकी प्राइस भी हल्की हाइक करेगी। अब 500-600 नॉर्मली जो सीरीज चलती आ रही है उनके मुकाबले थोड़ा महंगा हो सकता है। तो कितनी होगी इसकी प्राइसिंग, वो आपको मैं बताने वाला हूँ Redmi 9A की, और स्पेसिफिकेशन वगैरह भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, और जो लॉन्च है वो भी कब होगी उसके बारे में आपको यहाँ पे अपडेट करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों Redmi 9A से जुड़ी जो अपडेट निकल के आई है। Redmi 9A दोस्तों FCC सर्टिफिकेशन, जो कि US की सर्टिफिकेशन वेबसाइट है, वहाँ पे आज स्पॉट किया गया है। इसका मतलब दोस्तों इंडिया से बाहर ये लॉन्च होने वाला है। वैसे बताया दोस्तों आपको, Redmi 9 स्पेन में कल लॉन्च हो चुका है और Redmi 9A भी अब मार्केट, बाहर के मार्केट में जल्द लॉन्च होने वाला। लेकिन अभी तक यहाँ पे दोस्तों BIS यानी कि इंडियन की जो सर्टिफिकेशन वेबसाइट है वहाँ पे कोई भी लिस्टिंग नहीं हुई है। इसका मतलब अभी तो इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाला। लेकिन अपडेट्स और भी निकल के आ रही है इंटरनल सोर्सेज से कि Redmi 9A आपको जुलाई के महीने में लॉन्च होगा 10 तारीख के आसपास। इससे जुड़ी अपडेट दोस्तों ये निकल के आई है कि Redmi 9A आपको एकदम MediaTek के नए चिपसेट के साथ आने वाला है। लेकिन अपडेट ये है कि ये चिपसेट बहुत अच्छा होने वाला है और आपको एंट्री लेवल स्मार्टफोन जो भी आने वाले हैं फ्यूचर में, जैसे कि Realme के ही आए, Infinix और टेक्नो वगैरह जो भी कंपनी के आएंगे, फ्यूचर में आपको A25 देखने को मिलने वाला है 6-7 हज़ार के रेंज में आने वाले फोन के अंदर। उन्हीं में से एक फोन होने वाला है Redmi 9A, जिसके अंदर भी आपको यही चिपसेट देखने को मिलने वाला है। Redmi 9A में बताया जा रहा है दोस्तों आपको 3GB, 32GB की शुरुआती वेरियंट्स देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अपडेट है। एक और कमाल की अपडेट दोस्तों निकल के आ रही है कि यहाँ पे आपको 18 वाट की चार्जिंग देखने को मिलेगी, जो कि बहुत सरप्राइजिंग है कि 6-7 हज़ार में आपको नॉर्मली 18 वाट चार्जिंग को ही नहीं देता। तो Redmi 9A अगर 18 वाट देता है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात होगी। और बैटरी भी बताई जा रही है दोस्तों 4900 mAh, लगभग आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी। तो मेरे हिसाब से Redmi 9A 6-7 हज़ार में अगर ये पैकेज के अंदर आता है तो बहुत सॉलिड फ़ोन होगा और बहुत अच्छा फ़ोन रहने वाला है। फ़ोन की दोस्तों प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों जो यूरो मार्केट की प्राइस यहाँ पे हमारे पास निकल के आई है, जो बताया जा रहा है 100 से आपको 120 यूरो तक होने वाली है, जो कि लगभग आपको होती है 8000 के आसपास। लेकिन डेफिनेटली यूरो मार्केट की प्राइस और इंडिया मार्केट की प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस रहने वाला है, छोटा मोटा भी नहीं, बहुत बड़ा। तो डेफिनेटली दोस्तों 7000 की प्राइसिंग रहने वाली है 3GB, 32GB रैम वेरियंट की इंडिया के अंदर, जो कि काफ़ी सही रहने वाली है क्योंकि GST बढ़ाई जा चुकी है, तो ऐसे ही सब फ़ोन के प्राइस बढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पे Redmi 9A की प्राइस डेफिनेटली बढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों यही कमाल की अपडेट निकल के आई थी। फोन में दोस्तों एक और कुछ रूमर्स बता रही है कि इसके अंदर आपको ड्यूअल कैमरा देखने को मिलने वाला है। लेकिन जनरली दोस्तों जो A सीरीज आती है, जो सबसे एंट्री लेवल स्मार्टफोन होती है Xiaomi की, ये एक कैमरे के साथ ही आते हैं। लेकिन अपडेट ये निकल के आ रही है कि Redmi 9A भी आपको ड्यूअल कैमरे के साथ देखने को मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी सेंसर 13 MP का होने वाला है और 1 और 2 MP का सेंसर देखने को मिलने वाला है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा रहने वाला है। पीछे में दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर, फ्रंट में एक वाटर ड्रॉप नॉच होगी, 6.53 इंच की एक HD+ डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। ये दोस्तों हमारे पास डिटेल निकल के आई है Redmi 9A से जुड़ी हुई। प्राइसिंग मैंने आपको बताई दी कि आपको 3/32 वेरिएंट की प्राइसिंग 7000 रुपये होने वाली है, और लॉन्च भी यहाँ पे मैंने आपको अपडेट कर ही दिया कि 10 जुलाई के आसपास लॉन्चिंग होने वाली है। वैसे बता दोस्तों आपको जुलाई में बहुत सारे फोन लॉन्च होने वाले हैं, यानी कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सके इतने ज़्यादा फोन लॉन्च होने वाले हैं। नोट 9, Redmi 9, 9C, 9A जैसे फोन तो लॉन्च हो गई, साथ में Realme के भी काफ़ी धमाकेदार फोन लॉन्च होने वाला है। तो बने रहे हमारे साथ, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक देख रहे तो लाइक के बिना तो कहीं ना जाए, चैनल सब्सक्राइब कर ले, और आपके मन में जो भी रह गया हो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।